हेलो दोस्तों, कैसे हो साहब? बढ़िया, सब ठीक चल रहा घर परिवार में? चलो अच्छी बात है, चलना चलते रहना चाहिए। तो नहीं चल रहा हो तो तुम वो इंसान बनो जो सब कुछ ठीक चला सको। और वो बनोगे कैसे? पढ़ाई करके, अपने गोल को क्लियर करके। अपने माइंड में गोल सेट रखो, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहो, बस चलते रहो। जहां जाना है चलते रहो। रास्ते में रुकावटें काफ़ी आएंगी, लेकिन डरना नहीं है। अपने मेंटर से सलाह लेनी है, जिन्हें तुमने मेंटर बना रखा है, और उसके अकॉर्डिंग, उसके दिखाए रास्ते पे चलते रहो। और मेंटर वो बनाओ जो उस रास्ते पे पहले चल चुका हो, या चल रहा हो, या तुमसे आगे हो। सही है ना? तो बात यही है कि देखो आगे क्या होगा मत सोचो, तुम क्या कर रहे हो वो सोचो। जो तुम करोगे वो डिसाइड करेगा कि आगे क्या होगा। तुम मस्ती कर रहे हो तो आगे क्या होगा ये तुम्हें पता है, और तुम पढ़ रहे हो तो आगे क्या होगा ये तुम्हें सबको बताना है, करके दिखाना है। ये जुनून तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और जिस दिन ये जुनून आ जाएगा उस दिन किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम्हें कुछ करके दिखाना है, तुम करके दिखा दोगे ऑलरेडी। खैर, नया लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर, और इसके बाद आएगा लेक्चर नंबर 5, उसका नाम होगा एरर एनालिसिस, और तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स। तो अब ये सिग्निफिकेंट फिगर इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके बिना एरर एनालिसिस पढ़ना तो इम्पॉसिबल सी बात हो जाएगी, क्योंकि तो वहां गलतियां होंगी, और गलतियों को ठीक करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना होता है। क्योंकि तो कुछ फिगर्स, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि हमें पता है कि ये सही लिख रहे हैं हम, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे गेट रॉन्ग, वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो यहाँ हमें वे रूल्स सीखने हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने के रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स वो फिगर्स होते हैं कि जहां तक हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू एक्यूरेटली पता है और हम उसे इन डिजिट्स में लिख सके। तो जितनी मैक्सिमम डिजिट्स में लिख सकते हैं वो उनके मतलब करेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट वैल्यू जितनी मैक्सिमम डिजिट में लिख सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ कि एक स्केल है भाई हमारे पास, इस स्केल से हमने एक डिस्टेंस मेजर की, और उस डिस्टेंस में हमारे पास आया 7.4 से 7.5 के बीच में हमने वो लेंथ मेजर करी। ठीक है, अब हमें इतना तो पता है कि 7.4 और 7.5 एग्जैक्टली टू नंबर्स तो बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि तो हमने मेजर किए हैं। अब डिस्टेंस होगी क्या? मेन तो यह है, क्योंकि दो डिस्टेंस तो नहीं हो सकती ना। तुम तो किसी एक रॉड की लेंथ मेजर कर रहे हो, और जब रॉड की लेंथ मेजर की तो तुमने देखा स्केल में कि यार ये 7.4 और 7.5 के बीच में आ रही है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम यहाँ फंस जाओगे, तो तुम यहाँ फंसोगे ही फंसोगे। और जब यहाँ फंसोगे तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो कि सर ऐसा हो सकता है कि शायद 7.43 लिख दे, अप्रोक्सीमेटली हो सकती है बात, ठीक है हो सकती है। लेकिन यहाँ जो मेन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट नंबर है, वो कितने हैं? दो। क्योंकि तुम्हें एक्चुअल में जो वैल्यू पता है वो दो नंबर तक ही तो पता है, वो तुमने खुद मेजर की है कि 7.4 या 7.5 के बीच में उसकी लेंथ आएगी, लेकिन 3 जो है ये तुमने अपने अनुमान से लगाया है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होगा? 1 और 2, ये सिग्निफिकेंट फिगर है उस लेंथ के लिए जो तुमने मेजर की। ये होगा, लेकिन ये बात को रूल में बताऊंगा मैं। फिलहाल यहाँ देखो, ये तुमने अप्रोक्सीमेटली अपने पास से लगाया है, तो इसकी वैल्यू की एक्यूरेसी पे सवाल उठेंगे नहीं उठेंगे? लेंथ की एक्यूरेसी पे, अगर हम बिल्कुल बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे तो इसकी एक्यूरेसी पे सवाल उठेंगे कि यार ये सही है भी या नहीं, इतनी एक्यूरेटली सही हो तो सकती नहीं, क्योंकि तो मेजर ही नहीं की ना तुमने, 3 तो अप्रोक्सीमेटली लगाया है, और एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी? 7.4 से 7.5 के बीच में। तो ये एक्यूरेटली वैल्यू है, ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्यूरेट वैल्यू को, और जो नंबर एक्यूरेट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, दीज नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। मतलब ये जो नंबर है सिग्निफिकेंट नंबर कहलाएंगे। अब सिग्निफिकेंट नंबर कौन कौन से होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे पहचाना जाएगा, और कैसे राउंड ऑफ किया जाता है किसी भी डिजिट को? तो देखो, सिग्निफिकेंट नंबर लिखने के कुछ रूल्स है हमारे पास। अब मैं यहाँ रूल्स तो लिख करके पकाने वाला हूँ नहीं, देखो सीधी सी बात है, मैंने पहले से यहाँ कुछ लिख दिए हैं नंबर्स, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग रूल्स बनाता चलूंगा और तुम्हें समझाता चलूंगा कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, काउंट होंगे, और कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। डीसी पांडे सर की बुक से लिया है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, डीसी पांडे सर की बुक से टेबल ली है, अच्छी लगी मुझे तो मैंने ले ली, कोई इसमें दिक्कत नहीं, बेस्ट बुक है। चलिए तो देखो,
मेजर कुछ वैल्यू हमने जो मेजर की, अब इनके बेस पर हमें सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं, उनके रूल बनाने हैं। तो देखो, अगर कोई भी डिजिट डायरेक्ट लिखी है बिना किसी डेसिमल के तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। जैसे लिखा है 1 2 3 7 6, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। और नंबर कितने सिग्निफिकेंट फिगर के? 1 2 3 4 5, तो दे आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है ना? तो इसका रूल क्या बना? ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट विदाउट डेसिमल। अगर डेसिमल नहीं है तो सारी डिजिट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरह काउंट होगी। बात सही है। पहला रूल बना, कितने डिजिट है? 5। मजा आया, चलो पता लगा। खैर, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद का अगर नंबर है, पॉइंट के बाद भी, डेसिमल के बाद भी अगर कोई डिजिट है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। तो सेकंड रूल क्या बना? यहाँ डिजिट कितनी है? 5। तो ये 5 आया, तो क्या होगा? ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद भी लिखे तो भी सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, अगर वो जीरो नहीं है। इफ नॉट जीरो, अगर वो जीरो नहीं है। चलिए यहां बात करते हैं कितनी डिजिट है। 1 2 3, लेकिन यह सिग्निफिकेंट फिगर कितने? केवल 2, 1 और 2। इस पॉइंट से पहले की जीरो को काउंट ही नहीं करते, सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के खिलाफ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए इसके लिए? सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 2। और हमने क्या रूल सीखा कि प्रीसीडिंग जीरो, जीरो जस्ट आफ्टर पॉइंट, आफ्टर डेसिमल, डू नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है भाई, ये काउंट नहीं होगा। 2, यहां देखो 1 2 3, ये जीरो है, जीरो है। अब ये जीरो पॉइंट के बाद तो है नहीं, डिजिट्स है, तो डिजिट है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखो ये पॉइंट के बाद जीरो नहीं है। अगर पॉइंट के बाद जीरो होता तो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। यहाँ केवल 1 और 2, ये जो जीरो है इसका कोई रोल नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो दे आर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। तो लिखेंगे जीरो आफ्टर द डिजिट, आफ्टर द डिजिट विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, डू नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर। है ना? जस्ट जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे यहाँ 720, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, क्योंकि तो पॉइंट ही नहीं है यहाँ। तो यहाँ भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। रूल सेम टू सेम यही रहेगा। यहाँ अगर हम बात करें 2.40, अब पॉइंट के बाद आया है, अब पॉइंट के बाद आया है जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा ही होगा। अब अगर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा तो क्या? 1 2 3, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर, नंबर के बाद जीरो आया है, तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। अच्छा, ये यहाँ पे तो यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका लिख देता है यहाँ पे, इसका यहाँ, तो इसका लिखेंगे यहाँ, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, है ना? ये तो 2 है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। और क्या लिखेंगे? जीरो आफ्टर डेसिमल, डेसिमल काउंट एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। बात करते हैं लास्ट नंबर की। अब जो पावर्स है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होती, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 1 और 2, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि 2 कहलाएंगे। पावर्स डू नॉट काउंट एज सिग्निफिकेंट फिगर, ये सिग्निफिकेंट नंबर, इसकी तरह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होती ही नहीं। समझ में आया? चलिए बढ़िया बात है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, कैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानना है और कैसे हमें उन्हें राउंड ऑफ करना है, ये अब सीखेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर पहचानना तो आसान है, समझ गए होंगे सब। चेक कर लो वीडियो चल रही है ना? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, मजा आया। चलिए, है ना? तो अब बात करते हैं राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को? राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है? देखो भाई, राउंड ऑफ करते हैं किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट को या फिगर्स को। क्या है? राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, राउंडिंग
ऑफ द डिजिट्स। डिजिट्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, देखो जरा यहां। देखो भाई, किसी भी डिजिट को राउंड ऑफ करने का क्या तरीका है, मान लो लिखा है 2.567, अब इसे राउंड ऑफ करना है 2 पॉइंट तक। तो देखो साफ साफ, 2 के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है, ठीक, 5 के बाद 6 7 है। अब ये 6 7 किसके पास है, अगर ये 67 काउंट करो तो किसके पास, 70 के पास है। तो इसे हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 2.57, ये 67 70 के पास आ जाएगा ना, 2.57 लिख दो। ये राउंडिंग ऑफ करने का मेथड होता है, मतलब अगर इसके पॉइंट के बाद का नंबर 5 से ज्यादा है तो उससे आगे वाला एक ऐड हो जाएगा उसमें, और 5 से कम है तो एक ऐड नहीं होगा, उससे पीछे का नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां तो 5 था ही, तो 5 से आगे देखो 6, तो 6 तो 5 से बड़ा है, तो एक ऐड करके हमने 7 लिख दिया उसमें, है ना। मतलब ऐसे 7 नहीं, 60 के बाद है ना, 6 के बाद 70 के आसपास था ये। जैसे अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, सेकंड नंबर की, 3.76। अब ये 76 है तो क्या लिखा जाए, अब 3.76, अब देखो 7 है 6 है, तो 70 हो, 76 हुआ, किसके पास है, 80 के, तो 80 के पास राउंडिंग ऑफ करके 3.8 डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि 76 5 से भी बड़ा है, ये भी 5 से बड़ा है, तो 8 लिख सकते हैं आराम से। ये राउंडिंग ऑफ करने का मेथड होता है। थर्ड की अगर हम बात करें, हाँ मान लो लिखा है कितना, 3.2। अब ये 3.2 लिखा है, उसके बाद लिख दिया ना 7 8, तो कैसे किया जाए, तो 3.2 तो चलो ठीक है, अब 7 8 78 किसके पास, 8, ठीक है, तो लिखा जाएगा 3.28, 80 के पास बैठा तो 2 8 लिख दिया। ये राउंडिंग ऑफ करने का मेथड होता है। यहाँ पे अगर तुमने राउंडिंग ऑफ करनी सीख ली तो एरर एनालिसिस में मात नहीं खाओगे, और तो मार खाना भी नहीं, खानी भी नहीं है, दिक्कत हो जाएगी वरना। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में देखो जरा क्या करते हैं, और इसका 4.6, अब ये तो एक ही है नंबर, तो 4.6 ही रहेगा इसका, तो कोई मतलब नहीं है मैं कुछ और लिख दूं यहाँ। तो अगर 4.6 के बाद ये लिखा है यहाँ, तो ये किसी के पास है क्या, ये किसी के पास है, नहीं तो इसका आंसर 4.6 ही रहेगा, क्योंकि 5 से छोटा है ना बात का नंबर, तो 4.6 राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं हम इसे आराम से, और 0 कर दो इसे ऐसे, है ना, 4.6। तो कुल मिलाकर राउंडिंग ऑफ करने का मेथड होता है, ठीक। आगे है क्या, 3.364 ये लिखा है, मान लो चलो 5 कर दो, 5.364 अब ये लिखा है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या, देखो 5.33 के बाद 6 है, 5 से बड़ा है, लेकिन ये 4 ये छोटा बैठा, तो करेंगे क्या, 5.36, अब ये तो आएगा नहीं, 4 5 से छोटा है तो 0 कर देंगे। अब 64 वैसे भी उससे आगे है नहीं, पीछे रहेगा ही, ये सब बड़े थे, देखो आप सब दिख भी रहे, है ना, राउंडिंग ऑफ करने के तरीके होते हैं। मान लो लिखा है 8.372, तो क्या करेंगे भाई, अब यहाँ देखो 7 2 3 के बाद 7 है, चलो 5 से बड़ा है, लेकिन 2 तो छोटा है ना, तो 8.37 ही लिखेंगे, बस 0 भले ही लगा दो आप आगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 7 ही लिखेंगे। तो ये राउंड ऑफ करने का मेथड है जो हम कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर